एटापल्ली तालुका के जरेवाड़ा निवासी साधु उर्फ संजय नरोटे ने 2015 में गट्टा दलम में भाग लिया था। 28 मार्च 2023 से वह नक्सल दलम छोड़कर नक्सलियों का साथ देने के लिए घर पर ही रहा। वह 12 मुठभेड़, 2 पुलिसकर्मियों समेत 8 लोगों की हत्या, आगजनी जैसे 23 अपराधों में शामिल था। राज्य सरकार ने उस पर 2,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस अधीक्षक नीलोपल ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। जानकारी है कि जनवरी 2022 से अब तक 67 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संवाददाता सम्मेलन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुज तारे, कुमार चिंता और यतीश देशमुख उपस्थित थे। आज सकाळी C60 पोस्ट पार्टी, गट्टा पोस्ट पार्टी आणि CRPFचे संयुक्त अभियानमध्ये सकाळी हाजबोडी गाव, जे तोडगट्टापासून 3 किलोमीटर अंतरावर आहे, तिथून गट्टा LOS गट्टा दलमचे ॲक्टिव सदस्य, ॲक्टिव प्लॅटिन मेंबर आहे साधू उर्फ कार्या संजय नरोटे, वय 31 वर्ष, राहणार झरेवाडा इटापल्लीचे आहे। त्यांना सकाळी हाजबोडी गावातून सकाळी उचललेलं आहे आणि त्यांना आता संध्याकाळी अटक करण्यात आलेला आहे। उद्या त्यांना न्यायालयामध्ये प्रोड्यूस करून त्यांचे PCR घेणार आहे आणि 2015 पासून ते साधू नरोटे गट्टा दलमध्ये ॲक्टिव सदस्य होता आणि त्यांच्यावर 23 गंभीर प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत। NBC News के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक मानसिक रिपोर्ट।